ऐसे होगा हमारे न्यू हाउस में मेरा एंड मम्मी का ड्रीम किचन, बिल्कुल टीवी सीरियल जैसे। आपको पता है ये किचन सेटअप की प्राइस कितनी है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम शो मजामा। कैसे हो आप सब लोग? तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कृष्णा के रूम से, और देखो अब मैं आ गई हूँ मेरे रूम में, और कितना मस्त लग रहा है। देखो ये जो डिजाइन है ये बहुत सही लग रही है ना मम्मी? एकदम यूनिक अच्छी डिजाइन लग रही है। तो देखो गाइस, यहाँ पर एकदम मस्त सिटिंग एरिया बनने वाला है। ये है मेरा बड़ा वाला बेडरूम। तो ये बेडरूम है ना इतना ही बड़ा और ओपन रहने वाला है। इसका वार्डरोब एरिया ना दूसरी तरफ बनने वाला है। हाँ, यहाँ पे ना बैठने का मेरा, वहाँ पे पीछे बड़ा सा फोटो फ्रेम होगा, इधर लगी लाइट भी होगी। यस गाइस, मेरे रूम में टीवी भी होने वाली है, और इधर की साइड वार्डरोब भी बनाएंगे। आई नो वार्डरोब के लिए एक स्पेशल रूम बनाने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक वार्डरोब रहेगा। लड़कियों को कितना भी कवर्ड बना के दो कम ही गिरता है। हाँ, बहुत सारे कपड़े होते हैं लड़कियों के पास, है ना गर्ल्स? और इधर की साइड एक बड़ा सा मिरर रखेंगे, ठीक है मम्मी? और इधर की साइड भी मिरर रखेंगे, मतलब जैसे ही मैं उठूँ मिरर के पास आऊँ खुद को देखूँ, फिर यहाँ पे सिटी एरिया के पास आके मस्त बैठूँ, चाय पीऊँ, कॉफी पीऊँ, कितना मजा आएगा। देखो ये हेयर स्टाइल है ना मेरी मम्मी ने बनाई है, बताना आपको कैसी लग रही है। मैं ओपन हेयर्स में अच्छी लगती हूँ या फिर अलग अलग हेयर स्टाइल्स में, वो भी अच्छे से बताना कमेंट में। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं मॉडर्नर किचन का डिजाइन देखने के लिए। और तो अमीरों वाले नल, शावर, कमोड भी लेके आएंगे और वहाँ पे ट्राई करके भी देखेंगे नल वगैरह, ठीक है मम्मी? Yes. इस बार एकदम लग्जरियस हाउस बनाने वाले हैं हम, है ना? एकदम राजा महाराज हो जैसे रूम रहेगा डिब्बू का। यस, एकदम बढ़िया रूम रहेगा। ठीक है, चले फिर अभी। चलो बाय जूली, तू यहीं बैठी रहेगी। जूली यहीं पे बैठी रहती है और पूरा घर का रखवाली करती है। जूली ने पुराने घर में भी ऐसे ही किया था। हाँ, जब पुराने घर का काम चल रहा था तब भी जूली ऐसी रखवाली करती थी, बहुत प्यारी है जूली। ये देखो, ये मेरे रूम से एग्जिट हुआ है, इधर के साइड चलते हैं। इधर के साइड पापा ने बोला बनने वाला है कृष्णा का रूम। ये देखो डोर इधर से रहेगा। आपको पापा ने बताया था ना, जब तक कृष्णा छोटा है तब तक वो नीचे वाले फ्लोर पर ही रहेगा, लेकिन है ना जब बड़ा हो जाएगा तब वो ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट होगा, और उसको मस्त बालकनी और ये मस्त सा व्यू, और इधर के साइड विंडो भी है। अरे इधर ही है पापा, हेलो, दिख रहे हैं हम आपको? हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा पीछे से आए, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मामला किधर चले गए? डिजाइन में से उधर से किसी को नहीं दिखेगा, उसको दिख रहे हैं। हाँ, उसको दिख रहे हैं हम, वो बच्चे को दिख रहे हैं हम। यहाँ पे कांच लगेंगी। हाँ, यहाँ पे ना ऐसा फुल सीलिंग हाइट कर्टन लगेंगे, उसके बाद में कैसा दिखेंगे? तो अपने घर से बैठने का रहा तो इतना बड़ा घर छोड़ के यहाँ बैठने का। पानी तो दे दो, चलो चलो। ये मेरी प्रेमिका, आ जाओ। प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया, ये लो ये बाथरूम का सारा सामान, बाथटब, सब कुछ देखेंगे हम। लेट्स गो पापा, और हम हमारी पसंद से ही देखेंगे, ठीक है? तुम तुम्हारे पसंद से देखना, ताकि तुम बाद में मेरे को ना कुछ बोल ना पाए कि पापा तुमने ऐसा ही कर दिया, वैसा ही लगा दिया वहाँ पे। हाँ। ये फिटिंग कर दी, अच्छा नहीं लग रहा। मैं बाद में तुमको पूछूंगा ये तुमने क्या क्या कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाद में देखूंगा। नहीं, हम जो दिक्कत है इसको। हाँ मैं ये बोल रही थी, आप बोल ही नहीं पाओगे कि अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सब अच्छा सामान ही लेने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं, चलो अभी अंदर चलते हैं, और आप सबको भी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग है ना क्या क्या लेने वाले हैं। यप यप यप, इस बार बाथरूम में ना बाथटब भी होने वाला है हमारे।
आइए पधारिए मम्मी जी। ये देखो इधर के साइड है जैगुआर बेसिंग और इधर के साइड है कमो। ये इधर के साइड शावर नल। वाओ ये वाला शावर अच्छा है ना। ये देखो इधर के साइड है, ये क्या है पापा? अरे ये बॉडी शावर है, ऊपर से पानी आएगा बस यहाँ से। ये देखो इधर की साइड है, ये बॉडी शावर, इधर से भी पानी आएगा और ऊपर से भी पानी आएगा। वाह मस्त है ना ये। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है, हम एक बार है ना सब देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा वाला पसंद आता है हमें। ये वाला भी मस्त है, यहाँ ऐसे नीचे खड़े रहो शावर के। ये वाला भी सही है, देखते हैं कौन सा पसंद आता है मम्मी को। तो ये ओपन पैनल वाला डिजाइन है, तो ये शॉवर एरिया है, इधर से ये तीन इधर से पानी आएंगे। हॉट वाटर कोल्ड वाटर का भी प्रोविजन है, हैंड शॉवर का भी है। तो ये वाला देखेंगे तो बाजू वाला देखेंगे, ठीक है चलेगा। ये भी यूनिक है थोड़ा, हमको सब कुछ अच्छा चाहिए और यूनिक चाहिए न्यू घर में। कुछ भी बाय करने से पहले उसे यूज करके देखना चाहिए। ये अच्छा है पापा। हाँ ये वाला ही अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी है लेकिन ये वाला सही है। मैंने तो बैठ के भी देखी है यार। हाँ अभी ले रहे तो पूरा चेक करेंगे ना हम लोग, है कि नहीं। इस टाइप का बेसिंग है ना मम्मी को अच्छा लग रहा है, एकदम बड़ा बड़ा है ना स्पेशियस। ऐसे इसका नल चालू होगा, वहाँ ऐसे हम हाथ धोएंगे ऐसे ही। अभी आप बस वेट करो, हमको डिसाइड कर लेने दो हमको कौन सा बेसिंग, कमोड, नल, शावर सब कुछ लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा हमने फाइनल किया, ठीक है। देखो इस टाइप का बेसिंग भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये है ना थोड़ा स्पेशियस है ना, अच्छा है कि नहीं। देखो मुझे है ना अपने बेडरूम के बाथरूम में है ना ऐसे मिरर भी लगाना है, मतलब वहाँ पे मस्त ऐसे स्किन केयर वगैरह करने के लिए अच्छा है ना। ये जूम भी होता है, देखो ऐसे जूम भी होता है, अच्छा है ना ये मिरर। बहुत अच्छा, कितना मूड। अब देखो जूम हो गया, समझ गए गाइस, आप लोग दिख रहा होगा आपको डिफरेंस। तो अभी हम लोग ऊपर चलते, ऊपर जकूजी बाथटब वगैरह देख लेते हैं। Yes, guys, इस पर बाथटब भी लगने वाला है बाथरूम में और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये ब्लैक वाला कलर अच्छा लग रहा है ना इधर के साइड, ये ब्लैक वाला कलर, ब्लैक शावर, ये अच्छा लग रहा है आपको? ये ब्लैक है क्या? ये देखो ये ब्लैक है, ये मम्मी को अच्छा लग रहा है, शाइनी वाला है। ये देखो इधर की साइड है ये जकूजी, कितना मस्त मजा आएगा इस पे बैठने के लिए। देखते हैं अभी हमको कौन सा वाला पसंद आता है। पापा अच्छा लग रहा है कि आपको? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन और एक बार ऑप्शन देख लेते हैं दूसरे वाले भी। मेरे को तो लेना ही है इस बार जकूजी। पापा इधर आओ, हमको है ना ये वाला कलर पसंद आया, देखो ब्लैक वाला। हाँ ये एकदम शाइनी और अच्छा लग रहा है, अच्छा है ना। तुमको जो पसंद आएगा वो ले लेंगे अपन बस। ये देखो ये शाइनी वाला है, कितना मस्त लग रहा है। और आपका ये बैक मसाज है पूरा, फोर बैक मसाज। ये बैक मसाज वाला ऐसे मसाज होता है, पानी प्रेशर से पानी आता है। लाइट भी लगता है ना इसमें? लाइट सिस्टम है, वाटरप्रूफ लाइट आता है। लाइट आप यहाँ से, ये रिपोर्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है, 100% वाटरप्रूफ। ये अराउंड 120,000 जाता है। अच्छा देखो नीचे हमने जो देखा वो बाथटब विद जकूजी था, ये प्लेन बाथटब है, और ये वाला भी एक प्लेन बाथटब बट ये राउंड में है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमको है ना फाइनल क्या क्या पसंद आया। ये देखो ये वाला जो एक शावर है ये हमको अच्छा लग रहा है, और इसमें हैंड शावर भी है तो ये एक सही है। और इधर की साइड अभी हमने ये देखा, ये वाला भी हमको अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ सामने से भी ऐसे पानी आएगा, ऊपर शावर से भी आएगा और इधर से भी। अच्छा लग रहा है इधर को? हाँ ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये मेरे रूम में लगेगा ना। हाँ फिर ठीक है, और अभी तक बाथटब का हमने कुछ सोचा नहीं है तो बताऊंगी मैं आपको। तो देखो बेसिंग हमको है ना ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने पहले भी बोला ये स्पेशियस है, अच्छा बेसिंग है। और कमोड का मैं बता देती हूँ, वो भी देखी लो, ये वाला अच्छा लग रहा है आपको, देख लिया आप सबने। तो मैंने आपको बाथरूम की सारी चीज़ें दिखा दी, हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। अभी हम लोग चलते हैं किचन की चीज़ें देखने के लिए। किचन का देखने के लिए तो सारी लेडीज़ बहुत एक्साइटेड हो रही होगी, है कि नहीं। सो वी आर रेस्ट, अभी अंदर चल के है ना मॉडर्नर किचन की सारी डिज़ाइंस देखते हैं, और देखते हैं हमारी प्यारी मम्मी को कौन सी डिज़ाइन पसंद आती है। तो
देखो यहाँ पे है ना तीन चार मॉडर्नर किचन के डिजाइन है, अब देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। ये वाला देखो कितना मस्त है, अभी वो एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मतलब क्या बोल रहे हो, आपको वो पटक जाता है ऐसे जोर से? हाँ, जो अपने घर पे है ना स्टील वाला, वो पटक जाता है जोर से। तो पटकेगा नहीं पीछे जाके, मतलब ऐसे ये देखो ऐसे पटकेगा नहीं, स्लोली बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। और ये भी मस्त है, ये देखो इसको कहते हैं किचन का मैजिक कॉर्नर, जहाँ पर अपना हाथ नहीं पहुँच सकता ना, वहाँ पे अंदर एक और ट्रॉली होती है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी सामान रख सकते हैं और ये ट्रॉली आसानी से वापस अंदर चली जाती है। सेकेंड डिजाइन इतनी मस्त है ना, देखो हमें ना ये वाला अच्छा लग रहा है, गैस भी ऐसी ही चाहिए हमको मिडल में। इसको मैजिक कॉर्नर बोलते हैं, वाह यहाँ पे भी सामान कॉर्नर भी रहता है। 12 तक ये? हाँ ये 12 तक, ये पूरा भी निकल सकता है, ये क्लिप रहती है, ये पूरा निकलता है उस क्लिप की वजह से। और ये क्या ओवन? हाँ तो ये है स्टैंडिंग कंपार्टमेंट, हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे स्नैक्स रख सकते हैं, एकदम ड्रीम किचन के जैसे। वाह यहाँ पे कितनी सारी चीजें रख सकते हैं हम। इसको ड्राई फ्रिज भी, मतलब जितने भी ड्राई आइटम है अपने फूड के वही इसमें आप स्टोर कर सकते हो। जैसे सुपरमार्केट में नहीं होता है वैसे ही हम इसमें ना बहुत सारी सुपरमार्केट की खाने वाली चीजें रख सकते हैं। वाह ये देखो यहाँ पे भी रख सकते हैं। अच्छा लग रहा है आपको ये किचन? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी ऐसे गैस स्टोव वाला आइलैंड करेंगे और सबके खाने के कंपार्टमेंट अलग अलग रखेंगे, जैसे मम्मी का अलग खाने का कंपार्टमेंट, कृष्णा का अलग और मेरा अलग, और कोई किसी के कंपार्टमेंट पे नहीं जाएगा। और कुछ इसी को बोलते हैं ड्रीम किचन। बंद करो उसको। वो वाला किचन एक बार देखो कितना मस्त है वो भी। मेरे को ना वो अच्छा लग रहा। कौन सा? वो वाला किचन अच्छा लग रहा है आपको? तो ये अच्छा लग रहा है, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। सेम ऐसे ही बनवा लेंगे, ऑर्डर दे देंगे इनको, ऐसे ही बना लेंगे। हाँ अच्छा है, नहीं एकदम मस्त लग रहा है, इसके अंदर भी लाइट्स है तो कितना सही लग रहा है, एकदम फ्रेश और मस्त लग रहा है। यहाँ पे खाना बनाने के लिए भी कितना मजा आएगा, मतलब आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। फिर आती है पापा की फेवरेट जगह, यानी कि ये कांच वाला कबर्ड जिसमें बहुत सारे ग्लासेस है, आई मीन जूस के ग्लासेस। पर इतना साफ रखेंगे क्या तुम? हाँ फिर क्यों नहीं रखेंगे, अब बनेगा इतना अच्छा तो साफ रखेंगे ना। किचन साफ रहो या ना रहो, लेकिन पापा को उनके ये कांच वाला कबर्ड साफ चाहिए। टीवी सीरियल में सेम ऐसा ही किचन होता है, एंड हमें भी ऐसा ही किचन बनाना है हमारे घर में। एंड आपको पता है ऐसा सेम किचन सेटअप बनाने में कितना पैसा लगता है? ये किचन विद किचन अप्लायंस लाइक माइक्रोवेव, फ्रिज, चिमनी सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपीस लगते हैं। देखो ये एक वार्डरोब डिजाइन है, देखो ये कृष्णा के बेडरूम के लिए वार्डरोब एकदम सही रहेगा। इसमें ढेर सारे पतले पतले ड्रॉवर्स हैं, जिसमें हम बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं, वो भी डिस्प्ले के साथ। बस ड्रॉवर खोलो एंड कपड़े चूज करो कौन से पहनने हैं, मतलब ज्वेलरी वगैरह इसमें रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके। ये आपका साड़ी? अच्छा अच्छा ऐसे आगे आ जाता है। अच्छा डोर ओपन करने पर ही वो लाइट चालू होती है। देखो ऐसे हम इसको है ना ज्वेलरी को ऐसे स्टोर कर सकते हैं। मेरे और मम्मी के पास बहुत सारी ज्वेलरी का कलेक्शन है, तो ऐसा ड्रॉवर तो मस्त है हमारे लिए। देखो ये वार्डरोब में है ना शू रैक भी है, जो मतलब जो अच्छे अच्छे शूज है ना वो हम यहीं पे रख सकते हैं। मोस्टली इसका इशू रहता है कि इसको कहाँ पे छुपाना है। वाह एंड पैड इसके अंदर भी रख सकते हैं ऐसे ना, और ये हाई, ये भी सिस्टम अच्छा है, ये पूरा हाई हो जाएगा। तेरे को कौन सा पसंद आया किचन? मुझे ये वाला किचन पसंद आ रहा है, और ये जो ऊपर का कंपार्टमेंट है ना ये भी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर लाइट है तो ये यूनिक लग रहा है, और इधर की साइड वाला ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो मैजिक, ये ना सिर्फ टच पे खुल जाता है, तो ये भी लगाने वाले हम हमारी किचन में, और ऐसे बंद हो जाता है।
ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप भी बताना कमेंट्स में कैसे लग रहा है। और ये वाला, ये भी अच्छा है लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। पहले आप बोले ये अच्छा लग रहा है लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो किचन की जो भी डिजाइन हमको फाइनल करनी थी वो हमने कर लिया सारा, मतलब सब कुछ एकदम मॉड्यूलर रहेगा जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ऊपर। तो क्या अब हमारा किचन एंड वॉशरूम सेम टू सेम ऐसे लग्जूरियस बन पाएगा? और सेम ऐसा बनाने के लिए कितना खर्चा जाएगा पता नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, एनुअल डे फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के चले जल्दी से कॉमेंट्स में बताओ।